हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। एक सवाल एक मेरे व्यूअर ने किया कि सर, टाटा सफारी एस्ट्रोम को भारत में क्यों बंद किया गया और क्या उसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस थी, कितने प्राइस पॉइंट पे आती थी, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बस उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ पर प्राइस पॉइंट 11 लाख रुपये से लेके 14 लाख रुपये तक की ऑन रोड देखने को मिल जाती थी टाटा की सफारी स्टॉर्म, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल इंजन के साथ आती थी और काफी मस्त वाली एसयूवी थी। और बहुत लोगों को क्वेश्चन ये भी रहता है कि कितना उसका एवरेज था। तो भैया 13 का एवरेज देखने को मिलता था, 2200 सीसी का इंजन था। ऑलमोस्ट पेट्रोल तो आती नहीं थी पहले थी, टाटा डीजल इंजन बनाती थी, मैनुअल आती थी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर अवेलेबल ही नहीं थी। और उसके साथ साथ 7 सीटर गाड़ी थी जो कि काफी ज्यादा रिलायबल इंजन के साथ आती थी। और उसको लॉन्च कब किया गया था, अगर हम बात करें उसकी लॉन्चिंग डेट की, तो टाटा मोटर्स ने उस गाड़ी को लॉन्च किया था 1998 में भारतीय बाजार में। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ रोड प्रेजेंस आज भी इतनी ज़्यादा इसकी लाजवाब है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसमें कौन कौन से वेरिएंट आते थे, ऑलमोस्ट इसमें 7 वेरिएंट भी देखने को मिल जाते थे आप सभी लोगों को। और 5 कलर देखने को मिल जाते थे, स्काई ब्लू, रेड, ग्रीन, सिल्वर और वाइट ब्लैक, मतलब इतने सारे कलर देखने को भी मिल जाते थे। और क्या चाहिए इस गाड़ी में। और इस गाड़ी को कंपेयर अगर करा जाए तो यहाँ पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो, फॉक्स वैगन की टाइगॉन और MG हेक्टर वगैरह से इसको कंपेयर कर सकते हो। और उसके साथ साथ इसमें कितने वेरियंट आते थे, तो LX वेरियंट आता था 10,97,000 रुपये का, और EX वेरियंट आता था 13,16,000 रुपये तक का, और VX वेरिएंट आता था 13,27,000 रुपये का, और VX 4x4 वेरिएंट आता था 14,62,000 रुपये का। तो इतने प्राइस पॉइंट इसके जो हाईएस्ट थे वो आते थे इस गाड़ी में। और इसको बंद आखिर क्यों किया गया, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा आप सब जानते होंगे कितने अच्छे तरीके से तो भारत में गाड़ियाँ लॉन्च होती ही होती हैं। तो टाटा मोटर्स की जो गाड़ी थी टाटा स्ट्रॉम, उसकी बिक्री की गिरावट की वजह से उस गाड़ी को पूरे तरीके से जो बंद कर दिया गया था। और भी बहुत सारी वजह है, मैं बताता हूँ आपको। और वही अगर दूसरी बात करें तो BS6 इंजन के साथ साथ अगर इसको ठोस कोई कारण देखे जाए तो वो भी इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, BS4 इंजन के साथ आते थे। और लास्ट बताते हैं, इस गाड़ी को हर साल बेचने में गिरावट आती थी बिक्री में, इस वजह से इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया टाटा मोटर्स ने। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।